कोलकाता ने प्रेमी दरोगा से महिला थाने में रचाई शादी, लोगों की उमड़ी भीड़। प्रेमी ने पहले किया था शादी से इनकार, अब अंबेडकर को साक्षी मानकर दोनों हुए एक दूसरे के दहेज प्रथा और अंतर जाति विवाह कर लोगों को किया संदेश। आज तक आपने शादियां मंदिर या घरों पर होती देखी होगी, लेकिन आज जो हम शादी आपको दिखा रहे हैं वह संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही प्रेमी जोड़ी की है। दरअसल यह कहानी भागलपुर जिले के वंदना और उसके प्रेमी दरोगा मनोज की है। सच ही कहा गया है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वह प्यार करते नहीं। ऐसा ही कुछ वाक्य भागलपुर में देखने को मिला है। यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, क्योंकि इनके प्यार में कई ट्विस्ट आए। पहले प्यार, फिर धोखा, फिर प्यार के लिए प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए कई हद पार कर जाती है और अंत में प्यार की जीत होती है। और महिला थाने में दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में सिंदूर भरा। सुनने में तो यह प्रेम कहानी बेहद ही सरल है, लेकिन कहानी काफी जोरदार है। देर रात भागलपुर के महिला थाने में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के पटछाप हो गया। भागलपुर एक चारी टपुआ थाना का रहने वाला रुदल पासवान का बेटा मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, उन्होंने उसी गांव की रहने वाली जमुनी मंडल की 20 वर्षीय बेटी वंदना कुमारी से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को साक्षी मानकर शादी कर ली। दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए। एक तरफ जहां थाने की महिला पुलिस ने ही प्रेमिका को दुल्हन की तरह सजाया और दूसरी तरफ SC/ST थाने की पुलिस ने प्रेमी को दूल्हे की तरह सजाया। दोनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में सिंदूर भरा और जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए। वही महिला थाना पुलिस और SC/ST पुलिस के जितने भी जवान थे सबों ने वर बंधु को आशीर्वाद दिया और शगुन के तौर पर दुल्हन को पैसे भी दिए। चारों तरफ खुशी का माहौल था, मिठाइयां बांटी गई, लोगों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस शादी का जश्न मनाया। शादी के मेरा जब से हम अंबेडकर के बारे में पढ़े तब से हम सोचे शादी करेंगे, जाति विवाह करेंगे, दहेज मुक्त विवाह करेंगे और अपने पैर पर जब खड़ा होंगे पैर पर खड़ा होकर बढ़िया से करेंगे और जाति करेंगे। हाँ, थाने में नौबत करने की आई इसलिए कि समाज जाति पद्धति को लेकर राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोग अपने पुलिस विभाग के साथ, ये पुलिस विभाग में हमारा परिवार है, इसके साथ मिलकर हम शादी किए। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार। क्या है? हम अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में दरवाजा पद पदस्थापित हैं।